लंबे बाल कौन नहीं चाहता। कई लोग तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स और रेमेडीज ट्राई करते हैं बालों को लंबा करने के लिए, लेकिन सब ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक बार ये एलोवेरा हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट को ट्राई करके देखो। यह आपके बालों को पहले मजबूत करेगा, फिर उनको लंबा होने में हेल्प करेगा और साथ ही बालों को करेगा सॉफ्ट और स्मूथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश एलोवेरा। एलोवेरा आप इतना ले लीजिए कि जो जेल उसमें से निकल कर आए वो आधा कप के करीब हो। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी छोटी दो लीव्स ले ली हैं। अब इसमें से मैं जेल अलग कर लूँगी। एलोवेरा के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है स्किन और हेयर के लिए, लेकिन आपको क्या है कि आप दो दिन इसे ट्राई करते हो फिर छोड़ देते हो। ऐसा करने से कभी फ़ायदा नहीं मिल सकता। अगर आप इसे लगातार इस्तेमाल करते हो तो पक्का आपको फ़ायदा मिलेगा ही। अब इसके बाद में हम इस जेल को डालेंगे एक मिक्सी जार में। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो। और फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच शहद यानी हनी। जिन लोगों को ये लगता है कि शहद से बाल सफ़ेद होते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सफ़ेद बाल नेचुरली हो जाते हैं। और इसमें लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 विटामिन E कैप्सूल का ऑयल। अगर आपका स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी को आधा कर दीजिए और इसमें विटामिन ई मत मिलाइए। और अगर नॉर्मल है तो ये जैसे प्रोसेस मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। इसके बाद में आप इसको कर लीजिए अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड करने के बाद में आप इस मिक्सचर को किसी चीनी मिट्टी या फिर ग्लास के बर्तन में पलट लीजिए। स्टील का बोल आपको नहीं लेना है। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो बस हमारा जो हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है वो बनकर तैयार है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस मिक्सचर को आपको लगाना है अपने स्कैल्प में, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से। स्कैल्प में जाके ये क्या करेगा, हमारी रूट्स को बनाएगा बहुत ही ज़्यादा मजबूत। और अगर हमारी रूट्स मजबूत होंगी तो हमारी हेयर ग्रोथ अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमारे बालों की रूट्स मजबूत रहेंगी तो हेयर फॉल तो हमारा ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। बालों की रूट्स में इसे अप्लाई करने के बाद में हम इसे बालों पर लगाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर से लेके आपको बालों के एंड्स तक इसे लगाना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से। एंड्स पे लगाने से जो स्प्लिट एंड्स हैं वो भी आपके बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक दो बार में ही आपको फ़ायदा नज़र आ जाएगा स्प्लिट एंड्स में। और पहली ही बार में आपको ये नज़र आएगा कि जो आपके बाल हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो गए हैं। ये हेयर पैक आपको लगाना कब है, जब भी आप अपने बालों को शैम्पू करो उससे आधा घंटे पहले आप ये हेयर पैक बनाकर लगाएं। इसे बनाकर नहीं रखना है, आपको ताज़ा ही बनाना है। यानी एलोवेरा की जो लीव्स हैं वो तभी तोड़कर उसका जेल निकाल कर ये जो पैक है वो बनाकर तैयार करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई हेयर पैक ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगाएं और फिर हेयर वॉश करने के बाद में तो बाल हमारे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही काफ़ी ज़्यादा रफ़ बन जाते हैं। लेकिन ये हेयर पैक लगाने के बाद में आपके बाल जो हैं वो हफ्ते भर तक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ रहेंगे। इस हेयर पैक को पूरे बालों में लगाने के बाद में आपको छोड़ना है आधा घंटे के लिए। और फिर इसके बाद में आपको अपने स्कैल्प पर मसाज करनी है इस तरीके से। 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज देनी है। 2 से 3 मिनट तक मसाज करने के बाद में आप अपने बालों को किसी भी शैम्पू के साथ में वॉश कर दीजिए। यहाँ पर मैंने मेरे बाल जो हैं वो धो लिए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको अभी शाइनिंग दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो गीले हैं, लेकिन सच में मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गए थे इसको लगाने के बाद में। आप भी इस पैक को बनाकर देखो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।